चालू ही नहीं किया सर। मैंने तो क्वेश्चन अलाउ देख, किया ही था। क्वेश्चन दिखाओ सर, क्वेश्चन। बराबर, ये फॉर्मूला भी दिखा दो नहीं नहीं ताकि नहीं याद सर, आए नहीं सर, कि अरे कहाँ से ये फॉर्मूला लिया। अरे सर, मैं रिकॉर्डिंग नहीं देखता सर, मैं वो पीडीएफ से बना तो अभी। मैं बस कभी कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम वॉब्लम आ गया, क्या बोलते हो, पीडीएफ के अंदर तो सेफ रहने के लिए ऐसा। हेलो सर, हाँ, क्यों स्टॉप क्यों कर दिए? अच्छा, सर मैं स्टॉप नहीं किया, मैं एग्जिट हो गया तो मेरा नेट डाउन हो गया था, पता नहीं क्यों। द हेनरीज कॉन्स्टेंट फॉर CO2 गैस इज 1.5 × 10⁸ पास्कल। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर यस एट 293 केल्विन। ओके, हम्म, अंडर अ प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर। KH इतना है, हेनरीज 72। कॉन्स्टेंट फॉर CO2 इज 1.5 × 10⁸। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। यस, प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, राइट ना? यस X CO2। क्लियर। यस सर, 2/1000, 1/500, टू नथिंग इंटू बट, टेन टू द पावर -3। यस सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज वेरी लेस। यस सर, इट इज डन। ऐसे कुछ बैकग्राउंड में नॉइज नहीं आ रहा ना? आदि लाइक आ रहा है सर। पीपल टॉकिंग ऑन फोन। हाँ, एक मिनट, ये माइक्रोफोन मैं बूस्ट पे रखता हूँ ना, तो उसकी वजह से आता पूछ है। पे एक मतलब, सेकेंड, उसका लेवल बढ़ा देते हैं साउंड में जाके। हाँ ऐसा कर सकते हो, आपको पता है नहीं। हाँ साउंड में जाके, सेटिंग में जाके लेवल बढ़ा सकते हो। अब देखो, अब नहीं आ रहा होगा तुमको। हेलो सर, हाँ देखो, अब नहीं आ रहा होगा आवाज। हाँ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, बहुत हल्के से आ रहा है। बहुत माइन्यूट आएगा वो।
है, सब सेटिंग है ऑनलाइन में। मैं बोलता है ना एकदम टेक्नो सेवी हो गया हूँ अच्छा हर एक प्रॉब्लम का सलूशन। हम्म, मोल फ्रैक्शन ऑफ सीओ टू इज इक्वल टू दिस मच, वेरी लो यस राइट। यस नेक्स्ट देखो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सीओ टू डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सीओ टू प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। डन। H2 हाँ सर, तो अभी CO2 का मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन CO2 को निगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O सीधा, यस तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू 55.5 हाँ सर। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सीओ टू कितना होगा मेरे भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सीओ टू होएगा 55.5 × 10⁻³ 116 है ना, इंटू टेन रेस्ट दो को माइनस कहाँ भूल गए बबुआ, क्या सर? दो को क्यों भूल गए? हाँ तो 2 × 55.5 × 10⁻³ बोला मैं, तो 116 आएगा, नहीं 111 आएगा, 116 कैसे बोलेगा? वही गवाह हाँ सर, आदि हाँ सर, बेटा, न्यूमेरिकल का थोड़ा इंटरेस्ट लो, क्योंकि कैसा है पता है, फिजिक्स पूरा फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल, हाँ पूरा हाँ न्यूमेरिकल ही है। हाँ सर, मेरे को लगता है फिजिक्स में कम मार्क्स इसीलिए आता है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल है। नहीं सर, मतलब पहले मुझे फिजिक्स में अच्छा मार्क्स आता था वो, बट ऐसा रहता है ना कि थोड़े टाइम बाद वो इंटरेस्ट छूट जाता है, अभी वैसा है। और ऊपर से क्या है कि सर अभी जैसे जो भी पेपर रहता है ना, तो उसके अंदर चेक करना रीचेक करता हूँ ना मैं, फिजिक्स के अंदर कभी एक भी बार मैं पेपर रीचेक नहीं किया, इतना लाइक क्या बोलते हैं वो, थोड़ा उसमें कंटाला आता ही है। कैलकुलेट द हेनरीज कॉन्स्टेंट फॉर द गैस ए। इफ द सोलिबिलिटी ऑफ गैस ए एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 0.15 मोलल, बराबर ना, हाँ सर, तो प्रेशर क्या है? प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। हाँ KH × S। सर तो मोलालिटी से हम ये निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एक्स बी अपॉन वन एक्स से माइनस इन, एक्स बी इंटू हाँ 55.55, हाँ 0.15 प्लस
प्लस 0, अरे बाप रे कुछ ज्यादा ही गंदा कैलकुलेशन है। तो 15 15 अपॉन 100 इंटू 55.5, 1000 अपॉन 18 ले लो, वो बेटर रहेगा। 15 अपॉन 18, वो 5 और 6 गया, 5/6 इंटू 10, 5/6 इंटू 10, 50/6, डन। एक सेकंड सर। हाँ ठीक है, सही। मैं ना सर क्या कर रहा था कि जो 1 - xp लेफ्ट में है ना, उसको उधर ही रहने दिया। और नहीं, अरे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया शायद से। हाँ 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 मैंने मैंने कुछ गड़बड़ किया था। यस, वो 8/5 हो जाता। और हाँ, अभी तो अपने को बाकी है ना, उसने जो कैलकुलेशन पूछा है अभी वो। मोल फ्रैक्शन आ गया ना सर, तो हमारे पास प्रेशर है ना, हाँ तो P तो इज इक्वल प्रेशर टू अपॉन मोल PH फ्रैक्शन इनटू X। B दिया ना, XB ना, xb। सर तो ये अगर तो 1 हो जाएगा। सर ऐसा है बोला है तो 1 upon 2.7 into 10 raised to -3, मतलब 1000 upon 2.7, या फिर क्या बोलते हैं, 10,000 upon 27, वही कर सकते। नहीं, 1000 अपॉन, हाँ 10,000 अपॉन 27, 27, हाँ वही। सो अप्रोक्सीमेटली 3.7, 370.3 ATM। कैसा है, 3 पॉइंट जाएगा, फिर 7 टाइम जाएगा, फिर 0.3 ऐसे लिख दिया। 370.370 370 370 होते जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट फॉर N2 गैस इज 10^5 ATM। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस इन एयर इज 0.8। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस N2 बोल दिया, मतलब डिसॉल्व इन ट्वेंटी 10 मोल जीरो ऑफ पॉइंट वाटर। एट मतलब 0.2 बाकी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एट टू मोल्स ऑफ नाइन्टी फाइव N2। केल्विन ऑल्सो गिवेन प्रेशर ऑफ सर ओके सर देखो, इसके अंदर अगर 0.8 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस दिया है, इसका मतलब 0.2 जो रहेगा वो ऑक्सीजन रहेगा, है ना। और अभी हमारे पास P1 दिया है, तो हम P2 फाइंड कर सकते हैं। P1 upon P2 इज इक्वल टू X1 upon X2, ऐसा बाद में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस। एक सेकेंड, लेकिन उससे है वो नहीं, नहीं सर जो बोला उसको एक सेकेंड साइड में डाल दो।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंटो गैस डिसॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एट इतना आल्सो। प्रेशर दिया है सिंपल देखो ना, हमें, मोल फ्रैक्शन दिया है हमें, के हेनरी के एच दिया है, देखो कितने नहीं मोल के एच नाइट्रोजन के फाइंड करना है। डिसॉल्व होंगे, सुनो तो पहले, कितने मोल नाइट्रोजन के डिसॉल्व होंगे 10 मोल में, ये तो डिपेंड करता है ना नाइट्रोजन का प्रेशर कितना होगा। हाँ तो नाइट्रोजन का प्रेशर पता कर लेंगे तो पता चल जाएगा ना, क्योंकि हाँ हाँ केएच तो कांस्टेंट है, मोल फ्रैक्शन पता ही है, प्रेशर पता चल गया तो पता चल गया ना कितना डिसॉल्व होगा। हाँ सर वही तो हाँ सिंपल प्रेशर कैसे पता कराओगे, टोटल प्रेशर माइनस मोल फ्रैक्शन बराबर मोल फ्रैक्शन ना, और टोटल प्रेशर कितना है 5 एटमोसफियर है, तो हाँ मोल सर फ्रैक्शन से प्रेशर पता चल जाएगा नाइट्रोजन का, और हाँ सर नाइट्रोजन का प्रेशर पता चल जाएगा तो तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन पता चल जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन पता चल गया सर तो मोल फ्रैक्शन उसको ऑफ क्या, नाइट्रोजन पता है 0.8 है। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन पता है नहीं, के वो तब की मैं बात कर रहा हूँ जब प्रेशर 4 एटमॉस्फियर होगा, सर फोर नहीं समझा। एटमोसफियर, फोर ये एटमोसफियर की तो फाइव एटमोसफियर देखो देखो, ये जो 0.8 मोल फ्रैक्शन है ना, ये 5 एटमॉस्फियर पे है। एक सेकेंड। हाँ ओके और 10 मोल का तुमको डिसॉल्व करना है एट 25 डिग्री सेल्सियस, गिवन प्रेशर ऑफ एयर इज 5 एटमॉस्फियर, तो 5 एटमॉस्फियर में नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है 4 एटमॉस्फियर, तो 4 एटमॉस्फियर पे नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा चार समझे। एटमॉस्फेयर किधर प्रेशर दिया है। अरे घंटू, ये 5 दिया ना एयर का, हाँ तो आप चार क्यों बोल रहे हो। तो सुन तो पहले, 4 से मतलब ये टोटल प्रेशर है, उसमें नाइट्रोजन का प्रेशर अच्छा 4 हाँ आएगा हाँ 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 कैसे। हाँ हाँ वारे गणपति, चलो देखो इधर, क्लास में ना मैं बच्चे को ऐसे बोलता था, एकदम गोबर हाँ पता है। बताया था मैंने तुमको। तो फिर एक लड़का भड़क गया, बोला अरे बाबा बाबा पवित्र हो तुम, मैं गोबर के जगह पे मैं अंग्रेजी शब्दों का थोड़ी प्रयोग कर रहा हूँ एग्जैक्टली बराबर हाँ ना। सर हाँ सर अंग्रेजी शब्द मेरे ख्याल से ज्यादा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो गया शायद से 12th का ना, हाँ मेरे ऊपर मेरे जो ऊपर वाले बात जो ऊपर वाले क्या, अभी नीट देंगे ना वो वाले लोग का ये साल में। पक्का श्योर न्यूज है ये, हाँ पता नहीं मेरे को तो कोई फोन करके भी नहीं बताता बच्चा कि उसको पता है, यस सर बोल देंगे हाँ, तो अब ये काम कर घर में उगड़ा ना पागल जैसा बात करता है, एग्जाम कैंसिल हो गई, तो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो बोलता है सर, ऐसे बोलेगा सर नीट भी कैंसिल हो गया, तो सही में बोला तेरे से 16 तो 36 लोग हैं जिनको डॉक्टर बनना है बिना पढ़ के, और कुछ लोग तो नोट लेके भी बैठे हैं। हाँ वही मेरे को याद था मेरे एक रिलेटिव ने अपने बेटे के एमडीएस के लिए 1.5 करोड़ दिया था, क्या सर उसके बेटे का एमबीबीएस हो गया था, उसको एमडीएस कराना था, ओके तो 1.5 CR डोनेशन दिया था सिर्फ। अरे सर ये क्या बोलते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव रहता है ये पढ़ाई और जो एजुकेशन रहता है ना लाइक डॉक्टर बनने का फिर कोई भी बहुत कॉस्टली रहता है ऐसा मुझे ऐसा लगता कुछ है। नहीं है, कुछ कॉस्टली रहता है, बहुत चीप रहता है, लेकिन अब बच्चा इंटेलिजेंट चाहिए। हाँ वो है और आदि तुम लकी हो ऐसे 1-to-1 पढ़ रहे हो, यू हैव टू बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स। हाँ नहीं तो लोग सोचते हैं कोई उनका डाउट क्लियर कर दे। तो देखो प्रेशर को 5 एटमॉस्फियर रखूंगा और हेनरीज कांस्टेंट को 10^5,
बराबर ना, हाँ सर। नाइट्रोजन गैस दिया है ना, तो 5 × 0.8 तो प्रेशर कितना आ गया नाइट्रोजन गैस का, चार। 418। हाँ और यहाँ पे देखो क्या दिया है, द हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट फॉर नाइट्रोजन इज 10^5 एटमोस्फियर। नाइट्रोजन गैस इन द एयर, इन द एयर इज 0.8। ये तो हवा में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है ना, हाँ अपने हाँ को तो सर, किस में चाहिए, अपने को किस पानी में में। चाहिए, पानी में चाहिए। हाँ यस, सो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, चलो कम से कम कंसेप्ट आ रहा है तुमको, KH × मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, बराबर, तो हाँ हाँ ये 4 × 10^5 मोल फाइव इंटू एक्स फ्रैक्शन एंड ऑफ टू N2। ओके समझा समझा। 4/10^5 इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन टू। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू 4/10^5, बराबर ना, तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 10^-5, तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। हाँ तो मेरे को पता है नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन कितना कम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन अपॉन नंबर ऑफ नंबर मोल्स ऑफ ऑफ मोल्स ऑफ H2O ही वाटर। लेंगे, हाँ हाँ निगलेक्ट कर देंगे ना उसको, हाँ सर। इज इक्वल टू व्हाट, 4 × 10^5। नारे बाबा, सर हेलो, बटू P1/P2 को 4 एक सेकंड, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उस पे जाओगे क्या सर? P1/P2 वाले पे हाँ ये नीचे नीचे नीचे। अरे नहीं 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 नीचे सर। अरे हाँ ये एक सेकंड। देखो ना, CO2 को ओके निगलेक्ट कर हाँ दिया हाँ मैंने। हाँ समझा समझा। ओके सर समझ गया। ठीक है हाँ सर समझ गया समझ मोल गया। फ्रैक्शन बहुत कम है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम है ना, हाँ सर समझ गया। तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू व्हाट, इनटू नाउ 10। हाँ 4×10^-4। डन 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 डन। हाँ सर समझा अभी।